हाय स्टूडेंट, जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिल की एंट्री हम एक्सेल में कैसे करते हैं। आज की क्लास में यही समझना है और सीखना। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोफार्मा मैंने तैयार किया है, जैसे यहाँ पे मैंने फर्म का नाम लिखा है और उसके साथ साथ मैंने जो है यहाँ पे मैंने एड्रेस भी उसका लिख रखा है। इसके साथ साथ मैंने उसका ईमेल आईडी भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा। ये तो फर्म है, जो फर्म मतलब ये जो मतलब ये जो फर्म है, इस फर्म से क्या किया जा रहा है, सामान को खरीदा जा रहा है। और ये कस्टमर है जिनका नाम दिया हुआ है, जैसे अशोक कुमार सिंह, ये कस्टमर है जिनका एड्रेस पटरौना, इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कस्टमर है जो इनसे जा करके सामान खरीदते हैं, तो इनको सामान खरीदने पे एक बिल प्राप्त होता है। उसी बिल की एंट्री हमको एक्सेल में करके देखना होता है कि वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, उस पे जीएसटी कैसे लगा हुआ है, ये पूरा डिटेल में हमको देखना होगा। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे ये अशोक कुमार सिंह है और ये गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके कोई फर्म है, यहाँ पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, जैसे कंप्यूटर के सामान, बहुत सारे सामान खरीदने जाते हैं। तो कितनी क्वांटिटी में ये क्या रेट लगता है, इसी को आज की क्लास में समझना है कि इसमें जीएसटी भी पे करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, इसी को आज की क्लास में जानना। जैसे इन्होंने कीबोर्ड खरीदा है 5 पीस, कितना पीस, 5 पीस, जिसमें इनको पर कीबोर्ड का रेट कितना लगा हुआ है, 1,000 रुपये। इसी तरीके से एक माउस खरीदे हैं तो माउस का क्वांटिटी 6 पीस खरीदे हैं तो एक एक क्वांटिटी का रेट कितना लगा हुआ है, 600 रुपया लगा हुआ। सेम इसी तरीके से ये मॉनिटर खरीदे हैं 2 पीस और एक मॉनिटर का रेट है 5,000 रुपये। तो अगर हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे टोटल निकाला हुआ है, यानी कि जैसे जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा, ये फार्मूला हमको कैसे प्रयोग करना है पहले इसके बारे में आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। जैसे मान के चलिए कि अगर हमको टोटल निकालना हो तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से रेट में। जैसे एक क्वांटिटी का रेट अगर 1,000 रुपये है तो 5 क्वांटिटी का रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे और हम क्वांटिटी को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, रेट से, और एंटर कर देंगे। तो अगर एक क्वांटिटी का हमको पता चल गया तो पूरी क्वांटिटी का पता करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आसानी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। एक पीस का रेट 1,000 रुपये है, एक पीस का रेट अगर 1,000 रुपये है तो ये 5 पीस खरीद रहे हैं तो प्रोडक्टों की संख्या 5 है तो कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक प्रोडक्ट का रेट 600 रुपया है और ये 6 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 3,600 रुपया हो जाएगा। अब इसमें भी क्या है, इनको 12% इनको जीएसटी भी देना पड़ रहा है, 12% हो या चलिए 18% आप ले लेते हैं, मतलब 18% इनको क्या करना है, जीएसटी भी देना, 18% जीएसटी भी इनको देना। यानी कि जब तक ये जीएसटी देंगे नहीं तब तक इनको जो है मान के चलिए प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन ये कस्टमर मतलब ये जीएसटी भरने का काम कौन करता है, तो दुकानदार करता है। तो जब कस्टमर से अपना पैसा ये दुकानदार पाएगा तभी तो ये जीएसटी भरेगा। तो हम और आप जीएसटी क्या करते हैं, पे करते हैं, और जो बड़े लेवल के जो दुकानदार होते हैं वही पैसा को कलेक्ट करके क्या करते हैं, वो जीएसटी के रूप में जमा करते हैं। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये जीएसटी भी इनको लग रहा है कितना परसेंट, 18%। तो ये 18% जीएसटी देंगे लेकिन किस पे, तो ये टोटल पे जीएसटी देंगे, किस पे देंगे, टोटल पे जीएसटी देंगे। यानी कि अगर ये 5,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदे हैं तो इनका 18% जीएसटी इनको कितना देना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18% जीएसटी इसमें ज्ञात करेंगे। तो 5,000 का 18% अगर आपको जीएसटी देना हो तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे 5,000 को सिलेक्शन करेंगे, और कितना की बात हो रही है, 18% के ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 18% यहाँ पे लिख दें और बस एंटर कर, कितना लिखे थे, 18% यहाँ पे लिख देंगे, 18% दिया तो 18% यहाँ पे हम टाइप करें, तो ये बताएगा कि 5,000 का 18% कितना हो जाएगा, 900 रुपये। अब देखिए एक प्रोडक्ट जिसका रेट 1,000 रुपया था, इन्होंने खरीदा 5 प्रोडक्ट तो 5,000 रुपया हुआ, और इस 5,000 पे भी इन्होंने 18% क्या दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं। तो अब देखिए अगर 18% जीएसटी लग रहा है तो इसमें 900 रुपया आ रहा है। इसी तरीके से इसका निकालना होगा तो बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो सबका 18% जीएसटी निकल करके चला आएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए अब जो सब टोटल है आप ये बताइए, ये जो जीएसटी वाला पैसा इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, जुड़ेगा ना ये पैसा, क्योंकि ये जीएसटी जब अलग से ये दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये जीएसटी वाला भी पैसा इस टोटल अमाउंट में जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो ये हमारा आ जाएगा क्या, सब टोटल में रिजल्ट आ जाएगा।
तो सब टोटल निकालने के लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे टोटल को सिलेक्शन करेंगे और प्लस ले लेंगे क्या जीएसटी 900 और एंटर कर देंगे। अब ये आ गया टोटल मूल्य। इसमें हम बता सकते हैं कि इस मूल्य में जो है यानी कि ये जो रेट आपका निकला हुआ है, टोटल जो वैल्यू आपका निकला हुआ है, इसमें जीएसटी भी है और प्लस टोटल अमाउंट भी। तो इसमें से अगर आपसे जीएसटी पूछा था तो आप क्या बताएंगे कि 18% इसमें जीएसटी भी जुड़ा हुआ। अब चलिए, अब इतने रुपए इन्होंने खरीदा है सामान, अब ये पूछेंगे कि क्या हमको कुछ आप डिस्काउंट नहीं देंगे। मान के चलिए कि जैसे ये दुकानदार हैं, और दुकानदार जैसे ये छोटे दुकानदार हुए और बड़े दुकानदार से ये प्रोडक्ट खरीदने गए हैं, तो ये सिंपल सी बात, ये प्रोडक्ट ये भी खरीद के लेके आ रहे हैं तो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो ये दुकानदार से पूछेंगे कि क्या मैंने जो प्रोडक्ट आपको आपसे खरीदा है, क्या उस प्रोडक्ट में हमको कुछ आप डिस्काउंट नहीं देंगे। तो वो दुकानदार बोलेगा कि चलिए आपका जो आप जो भी आइटम आपने खरीदा है, प्रत्येक आइटम में हम आपको 5% क्या कर दे रहे हैं डिस्काउंट को, 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जैसे मान के चलिए कि कीबोर्ड में 5% मिलेगा, माउस में 5% मिलेगा, मॉनिटर में 5% मिलेगा, रैम में 5% मिलेगा, स्मार्टफोन में 5% मिलेगा। तो परसेंटेज में मतलब अगर डिस्काउंट मिलेगा परसेंटेज में, यानी कि 5% अगर डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये डिस्काउंट हम निकालते हैं किसके बेस पे, सब टोटल के बेस। समझ में आ रहा ना? अब क्यों मतलब सब आज टोटल के केवल बेस पे निकालते हैं, क्योंकि इसमें आपका अगर टोटल अमाउंट भी जुड़ा हुआ है और प्लस जीएसटी भी आपका जुड़ा हुआ है, तब जाकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर को 5% डिस्काउंट भी देंगे। तो बहुत इजी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 5% डिस्काउंट आएगा कैसे। तो सबसे पहले 5% हम निकालेंगे किसको, उसको सॉल्व करेंगे ना, यानी कि जो सब टोटल इसमें से हमको क्या करना है, 5% हमको निकालना है, इसमें से हमको 5% निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे सब टोटल को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 5% से, और बस एंटर कर दीजिए। यानी कि 5,900 का रुपए का सामान ये लिए हैं तो 295 रुपये इनका डिस्काउंट हो गया। इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए, अगर जो है 4,248 रुपये का लिए हैं, इसमें 5% डिस्काउंट 212 रुपये हो रहा है, 11,800 रुपये का लिए हैं तो 590 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, और 12,390 रुपये का लिए हैं तो 620 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, अब 4,720 का लिए तो 236 रुपये मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब हमको निकालना है क्या ग्रैंड टोटल। अब आप एक बात बताइए, अगर ये डिस्काउंट हमको यहाँ पे मिला हुआ है, तो सब टोटल में से डिस्काउंट हमारा घटेगा कि प्लस हो, घटेगा, सिंपल सी बात है। इतने रुपए का मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, इतने रुपए हमको डिस्काउंट मिला, तो सिंपल सी बात है कि 5,900 में से 295 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही जो शेष पैसा आपका बचेगा वो किसमें चलाएगा, ग्रैंड टोटल में। तो सबसे पहले इक्वल करेंगे और 5,900 को सिलेक्शन करेंगे और माइनस 295 डिस्काउंट ले लेंगे और एंटर कर देंगे। यानी कि कस्टमर को देना होगा कितना पैसा, 5,605 रुपया देना होगा, किसका, कीबोर्ड। और वही अगर माउस का देना होगा तो 4,036 रुपया देना होगा, मॉनिटर का देना होगा 11,210 रुपया, रैम का देना होगा 11,771 रुपया। तो यही पैसा क्या करेगा, ये कस्टमर दुकानदार को पे करने का काम, यही आज की क्लास में समझ। अब क्या अगर ये किसी को ले जाकर के बेचेगा तो इतना ही पैसे में बेचेगा ही, इससे ज्यादा पैसा लेकर के आसानी तरीके से वो बेच सकता है, ये आज की क्लास में समझना। किसी को कोई दिक्कत इसमें, चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए, यहाँ पे फार्मूला मैंने नीचे लिखा भी है, 12 को हटा करके 18 कर लीजिएगा, 18%। समझ में आया ना सबको, नोट कर लीजिए फार्मूला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर मैंने आपको बताया है और इसकी रिक्वायरमेंट बार बार आती है।
नोट कर लीजिए फार्मूला पूरा। जीएसटी वाला फार्मूला मैंने लिख दिया है, 10% जीएसटी फार्मूला, फार सब टोटल, 5% डिस्काउंट और फार ग्रैंड टोटल।